आंकड़ों का संकलन और आयोजन, कलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ डेटा। बच्चों, इस वीडियो में हम आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन करना और उन्हें संयोजित ढंग से लिखना सीखेंगे। आइए आप सभी को जंगल में ले चलते हैं, जहां उल्लू साहब कुछ जानवरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रोज यह सब उल्लू साहिब से कुछ न कुछ नई बातें सीखते हैं। आओ बच्चों, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? चीकू खेल रहा था और भोलू शहद चुराने की कोशिश कर रहा था और हमारी सलोनी सो रही थी और चीची पढ़ाई कर रही थी। ठीक है, चलो आज हम कुछ नया सीखते हैं। क्या तुम सब एक खेल खेलना चाहते हो? हाँ हाँ। तो बच्चों, यह है पासा। अब आप सभी बारी बारी से इस पासे को 5-5 बार फेंकिए और जो नंबर आता है उन्हें हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, पहले मैं 1, 4, 6, 2 और 2। तो चीकू के पासे पर आए ये अंक। अब भालू, तुम पासे को फेंको। ठीक है, 2, 4, 5, 5, 4। भालू के पासे पर आए ये अंक। अब चीची और सलोनी, तुम बारी बारी से पासे को फेंको और देखो कौन से अंक आते हैं। 1, 1, 3, 4, 6। 5, 4, 5, 6, 6। तो चीची और सलोनी के पासों पर आए ये अंक। अब हमने सभी के पासों पर आए अंकों की सूची बना ली है। तो बच्चों, इस तरह मैं कह सकता हूँ कि मैंने तुम्हारे द्वारा फेंके गए पासों से प्राप्त अंकों का संकलन किया है, या इस तरह की जानकारी को मैं डाटा भी कह सकता हूँ कि तुम सभी ने पासों पर जो भी अंक प्राप्त किए, मैंने उस जानकारी को इकट्ठा किया है। अच्छा, क्या आप डाटा का कोई और उदाहरण दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखो, अगर मुझे जानना हो कि तुम सभी के परिवार में कितने लोग हैं, तो इसके लिए भी मैं एक सूची बनाकर सभी से पूछकर डाटा इकट्ठा कर सकता हूँ। जैसे यह सूची देखो, इस सूची को देखकर हम जानकारी निकाल सकते हैं कि किसके परिवार में सबसे ज्यादा सदस्य हैं और किसके परिवार में सबसे कम। लेकिन अगर हम अपने इस डाटा को देखें, तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा अंक पासे पर सबसे ज्यादा बार आया है? क्या हुआ, इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि हमें पहले यह देखना है कि प्रत्येक अंक कितनी बार आया है। बिल्कुल सही। और इसके लिए हम अपने डाटा को इस तरह से अरेंज करके लिख सकते हैं, जैसे 1 आया 3 बार, 2 भी आया 3 बार और ऐसे ही सभी अंकों को अलग अलग लिख सकते हैं। अरे वाह, यह तो आपने सारे नंबरों का अलग अलग समूह बना लिया है। एकदम सही। पहले हमने अंकों का संकलन कलेक्शन किया और तुमने देखा कैसे मैंने 1 से 6 सभी नंबरों को अलग अलग करके उन्हें इकट्ठा या आयोजित करके लिखा है। इससे हमें जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाता है। अब बताएं कौन सा अंक सबसे अधिक बार आया और कौन सा सबसे कम बार? 4 सबसे ज्यादा बार आया, 5 बार
और 3 सबसे कम एक बार ही आया है। बिल्कुल सही। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने सीखा आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन करना और उन्हें संयोजित ढंग से लिखना।